हेलो नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवीजन का यह फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है मतलब उसका हम चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली जुलाई और अगस्त के कुछ करंट अफेयर है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है वो है ग्लोबल ट्रीटी बॉम्बिंग न्यूक्लियर वेपन के बारे में। तो क्या यह ट्रीटी देख लेते हैं। विश्व का पहला ऐसा प्रयास किया गया इस ट्रीटी के तहत कि जो भी न्यूक्लियर वेपन है उनको बैन किया जाए, न्यूक्लियर वेपन को प्रोहिबिट करने के लिए विश्व की पहली एकमात्र ट्रीटी है। जुलाई में इसे अडॉप्ट किया गया था। यूनाइटेड नेशन के 122 कंट्रीज हैं, उन्होंने इस पर मतलब साइन है वो किए थे। बट सबसे इंटरेस्टिंग और कमाल की बात यह है कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन थे उन्होंने किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मतलब कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो ऐसा चाहते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन किसी के पास नहीं हो, इसीलिए कोई भी कंट्री ऐसी मतलब जो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं लिया ट्रीटी है किस लिए, यह विश्व का पहली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि न्यूक्लियर वेपन को क्या करता है कि बैन करने के लिए है। अभी तक इसे एक्टिव फॉर्म में नहीं लाया गया है क्योंकि इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए 50 कंट्रीज़ के द्वारा रेक्टिफाई करना जरूरी है। बट अभी केवल साइन किया गया 122 कंट्रीज़ के द्वारा, रेक्टिफाई नहीं किया गया है। तो यह पहली ऐसी ट्रीटी, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है G20 के बारे में। न्यूज़ क्या है वो भी देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि G20 का 12वां समिट है वो जर्मनी के हेमबर्ग में हुआ है। तो हमें जाना करना कि हेमबर्ग कहाँ पे, जर्मनी में। और ये G20 का जो 12वां समिट हुआ है इस 12वें समिट में ही हेमबर्ग में हुआ ना, इसमें हेमबर्ग एक्शन प्लान है वो एक्सेप्ट किया गया, मतलब उसे। अब देख लेते हैं कि हेम्बर्ग एक्शन प्लान क्या है। सबसे पहले हेम्बर्ग एक्शन प्लान ये है कि भाई जो भी पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन मुद्दे हैं ना, जैसे कि आतंकवाद हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, मतलब इन सारे मुद्दों से क्या है कि सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर निपटेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। आतंकवाद हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, ग्रीन हाउस गैस का जो भी इफेक्ट हुआ, ऐसी जो चीज़ें हैं ये सारे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। जैसे कोई डिजीज़ वगैरह हुई तो ये सारी बीमारियाँ क्या पूरे विश्व के लिए खतरा है ना। तो इसलिए कोई भी ऐसे पूरे विश्व के लिए जो समस्या है उसे सभी कंट्रीज मिलकर निपटने के लिए हेम्बर्ग एक्शन प्लान है उसे एक्सेप्ट किया गया। तो हमें ये ध्यान रखना कि हेम्बर्ग एक्शन प्लान कहाँ किससे रिलेटेड है, ये G20 से रिलेटेड है। अब G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 है वो एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि 1999 में बनाया गया था। 20 इसके मेंबर हैं जिसमें से 19 तो कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में भी जो मेंबर हैं वो भी सारी इसके मेंबर मतलब इसके सदस्य हो जाते हैं। काम क्या है इस G20 का, इस G20 का काम ये है, देखो सारे सदस्य आपको रटने नहीं बैठना है। दो चार सदस्य हो, पांच हो, छह हो तो याद रखना कोई बात नहीं, याद रख सकते हो। बट ऐसे सारे इतने सारे मेंबर होते हैं उन सबको आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, इंडिया के जो पड़ोसी देश जैसे सार्क हुआ, बिम्सटेक हुआ, आसियान हुआ, तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो काफी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। काम क्या है इसका, इसका काम ये है, स्टार्टिंग में देखो इसका मेन मोटो था वो था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मतलब केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, पूरे विश्व में फाइनेंस है उसके लेके ज्यादा ऊपर नीचे मतलब मार्केट ना हो उसको लेके बनाया गया था। उसके बाद में आज इसका काम है वो डेवलपमेंट की तरफ भी है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी फोकस करती है, पॉवर्टी की तरफ है, तो मतलब सभी डायरेक्शन में इसका काम है। देखो मेनली जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका सारा एक जैसा ही काम है, ट्रेड को बूस्ट करना, फाइनेंस डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इन सारे एक ही काम है। बट कुछ कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए होते हैं, तो उनका हमें ध्यान होना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 17वां सबमिट था वो तो सिर्फ 12वां सबमिट था वो तो हमने देखा कि इस बार हेमबर्ग में हुआ जर्मनी में, और जो इसका 13वां सबमिट है मतलब जो 2018 में सबमिट होगा वो होगा इंडिया में, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स के बारे में। न्यूज़ ये है कि भाई इंडिया को ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स में बहुत बेकार रैंक मिली है ब्रिक्स कंट्रीज में। मतलब इंडिया में रिटायरमेंट के बाद अच्छी सर्विस है वो नहीं दी जाती। ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद कंट्री में किस तरह की सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, और इंडिया की सुविधाएं हैं रिटायरमेंट के बाद, मतलब जो लोग 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं वो जॉब से, उनको अच्छी सर्विस है गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवा रही है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या चाहे पेंशन से हो, कोई भी सर्विस हो, मतलब गवर्नमेंट उनको अच्छे ढंग से सपोर्ट है वो नहीं कर रही है। और ये ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स है यह जारी किया गया फ्रेंच कंपनी नेटिक्सिस ग्लोबल के द्वारा। 43 कंट्रियों की रैंकिंग है, तो सारी 43 तो नहीं देखना है, समय ध्यान रखना कि इंडिया की रैंकिंग है ब्रिक्स कंट्री में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सबसे बेकार लेवल पर ही है। किस चीज़ पे फोकस होता है इसमें, इसमें फोकस होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो भी फैसिलिटी दी जाती हैं, चाहे पेंशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, या इसके बाद में और भी उनमें अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है यूरेनियम बैंक के बारे में। तो विश्व का पहला यूरेनियम बैंक है वो एक बनाया गया है कजाकिस्तान के शहर है, उसका नाम है ओस्केमन में। तो ये हमें ध्यान रखना है कजाकिस्तान के ओस्केमन शहर में विश्व का पहला यूरेनियम बैंक बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, यह बनाया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा।
अगली बात क्या है, इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ एग्रीमेंट साइन, मतलब जिन कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है उन कंट्रीज को इसके तहत यूरेनियम वो दिया जाएगा। देखो कुछ कंट्रीज क्या होती हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन करा है कि भाई वो शांति के लिए यूरेनियम का यूज करेंगी, तो उन कंट्रीज को क्या है कि भाई यूरेनियम नहीं मिल पाता है, तो वो क्या है इधर उधर से जुगाड़ने की कोशिश करती है, तो उनको काफ़ी महंगा मिलता है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है एनर्जी वगैरह के लिए, इसलिए ये यूरेनियम बैंक बनाया गया ताकि जो भी मेंबर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है उनको यूरेनियम भाई आसानी से मिल जाए। कजाकिस्तान की लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो लगे हम लोकेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पे कजाकिस्तान की आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे ये कजाकिस्तान है और इसके अंदर शहर है उसका नाम है ओस्केमन। तो ओस्केमन सिटी के अंदर पहला विश्व का यूरेनियम बैंक है वो बनाया गया है, इसके बारे में हमने देख लिया। ये मेनली सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया कौन सी कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे फिर आता है कि उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, यहाँ पे मेल कजाकिस्तान का आ गया, ये थोड़ा रूस का पार्ट है। तो ये थोड़े बेसिक थोड़ा हमें मैप वगैरह, फिर आगे भी हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे, हमने मैपिंग पहले भी की है, फिर आगे वापस एक बार हम रिवाइज करेंगे इनको। अब चलते हैं हम आगे, अगली न्यूज जो हुआ है फिलीपींस के बारे में। न्यूज़ ये है कि फिलीपींस में इंडिया ने सपोर्ट दिया है, वहाँ पे काफ़ी क्या है टेररिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मतलब आईएसआईएस का बहुत दंगा वंगा फैल रहा है। तो क्या है इंडिया ने पहली बार फाइनेंशियल एड दी है आतंकवाद से निपटने के लिए, तो यह भी ध्यान हो जाता है कि विश्व में आतंकवाद से निपट लेकिन इंडिया ने पहली बार किसी कंट्री को फंड है या मतलब पैसा दिया है वो भी आईएसआई से निपटने के लिए। अब ये ध्यान रखना है सिटी कौन सी है, सिटी है वो है मारावी सिटी, तो मारावी सिटी वो फिलीपींस की है और इस पर भी आईएसआई ने कब्जा कर लिया था। तो ये यूपीएससी पूछते हैं कि मारावी सिटी कहाँ से रिलेटेड है, तो यह हमें ध्यान रखें मारावी सिटी कहाँ पे है, क्योंकि देखो जैसे यूपीएससी पूछ सकती है जेरूसलम के बारे में पूछ सकती है, तो हमें इन इंपॉर्टेंट जगह के बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है यूएस अफगानिस्तान पोलिशन की। यूएस ने अपनी अफगान पॉलिसी जारी की थी तो पिछले साल, तो उसके अंदर ये बात कही गई थी कि भाई इंडिया है वो अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को काफ़ी बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया कि पाकिस्तान है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, आतंकवाद को फैला रहा है, और बाद में फोकस किया गया था कि भाई आतंकवाद को खत्म करना है तो सभी कंट्रीज़ को साथ आना होगा, तो वो बेसिक्स थी बात थी। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है पेट्रापोल एंड बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो यह ध्यान रखना कि पेट्रापोल और बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है कहाँ, यह सबसे पहली बात तो यह थी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। अब आपके दिमाग में ओबियसली आया होगा कि है क्या, तो आखिर ये पेट्रापोल और बेनापोल, देखो कोई भी दो कंट्रीज होती है उनके बॉर्डर बॉर्डर अगर उनका टच कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या उनकी एक चेक पोस्ट, उस जगह जगह चेक पोस्ट होती है ताकि ट्रेड वगैरह है वहाँ से हो सके, लोग भी आवाजाही कर सके। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी चेक पोस्ट है बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ से क्या ट्रेड वगैरह होता है, लोगों की आवाजाही होती है बस थ्रू के द्वारा, तो सेम उसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर ये चेक पोस्ट है जिनका नाम है पेट्रापोल और बेनापोल, तो यह ध्यान रखना। तो न्यूज में एक्चुअली है कि जो पेट्रापोल और बेनापोल जो चेक पोस्ट है ना इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इनको अभी 24 घंटे मतलब 24x7 ओपन रहेंगी। पहले 24x7 ओपन नहीं रहती थी, संडे को बंद रहती थी, अब ऐसा सीन नहीं होगा ताकि ट्रेड वगैरह अच्छे से हो सके, उसके लिए स्टार्ट किया गया, तो यह ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगली न्यूज है ग्लोबल लायबिलिटी रैंकिंग के बारे में। तो ग्लोबल लायबिलिटी रैंकिंग है उसमें 140 सिटी को काउंट किया गया है, 140 सिटी में सबसे पहले पे आया हुआ है मेलबोर्न। अब इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाता है लायबिलिटी रैंकिंग में, इस रैंकिंग में फोकस किया जाता है कि भाई पब्लिक सेफ्टी वहाँ पे किस तरीके से है, हेल्थ इंडिकेटर कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, एजुकेशन किस तरीके की प्रोवाइड करवाई जा रही है, लोगों को जॉब कैसी मिल रही है, स्किल कैसी है, उनके आधार पर मतलब लोगों के रहन सहन के तरीके लिए एक इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वो हमें ध्यान रखना है, वो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे वो है ऑस्ट्रेलिया की सिटी, उसका नाम है मेलबोर्न। तो ये न्यूज़ थी, हमने इसके बारे में देखा। अब चलते हैं आगे, अगली न्यूज़ है वो है इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। तो देख टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, सॉरी इसका दूसरा नाम वो है I4F। तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि रिसेंटली I4F न्यूज़ में था क्या है, तो यह ध्यान रखना कि इंडिया और इजराइल के बीच में वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक फंड है, इंडिया और इजराइल की, ये हमें ध्यान रखना। इसके बाद में क्या है, इस फंड के तहत ये प्रावधान किया गया है कि इंडिया और इजराइल दोनों कंट्रीज हर साल 4-4 मिलियन का इन्वेस्ट करेंगे इस फंड में 5 साल तक। उसके बाद क्या होगा, इस फंड का यूज़ है वो किस लिए होगा, वो होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब दोनों कंट्रीज हैं इंडिया और इजराइल वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करेंगी, एग्रीकल्चर हुआ, वाटर हुआ, इनके लिए रिसर्च वगैरह करेंगी, तो उसके लिए फंड है वो बनाया गया है। आगे देखते हैं, अगली न्यूज है वो है RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, यह मैंने इसने मैंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो प्रपोज किया, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो प्रपोज किया, अभी यह एक्टिव फॉर्म में नहीं है, केवल प्रपोज किया है। किसके साथ? या किया आसियान प्लस सिक्स के साथ। तो आसियान प्लस सिक्स में आपको पता है कि 16 कंट्रीज आती हैं, आसियान में 10 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं वो प्लस सिक्स में आ गई। तो ये चीज़ हमें एक ध्यान रखनी कि इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, इंडिया आसियान प्लस सिक्स का मेंबर है। अब आसियान में 10 कंट्रीज हैं वो आसियान की हैं जो कि साउथ ईस्ट की हैं, और इसके बाद में आती हैं वो आती हैं ऑस्ट्रेलिया छः में, एक आती है चाइना, दूसरा इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। तो ये आती है आसियान प्लस सिक्स का हमें ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज आसियान प्लस सिक्स में। ये मेरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए साइन हुआ, तो इसके बारे में न्यूज थी वो हमने डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, USISPF के बारे में। तो यह एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, इसका काम ये है कि फ्री जो ट्रेड रिलेशन है उनको बढ़ाना और इकोनॉमी को आगे लेके जाना और जॉब है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना। मतलब इंडिया और यूएस के बीच में एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाया गया ताकि इंडिया और यूएस में एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, इसके साथ ट्रेड रिलेशन है वो बढ़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, इकोनॉमी आगे जाए, जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए, उसके लिए फंड है फॉर्म है ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, अगली न्यूज है वो है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। न्यूज़ यह है कि बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, उसका पहला फेज इंडिया में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के द्वारा, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। है क्या इसमें? यह इसलिए है कि ताकि जो भी अगर फ्यूचर में डिजास्टर हो जाते हैं बिम्स्टेक की कंट्रीज के बीच में तो उनसे निपटा जा सके। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है उनसे निपटने के लिए। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में भी कि बिम्स्टेक में कौन कौन है। पहली बात तो है कि बिम्स्टेक में हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो बिम्स्टेक है उसमें मेनली 7 कंट्रीज आती हैं, वो उनको देख लेते हैं। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो यह ध्यान रखना है मेनली इसे 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत मतलब एक्सेप्ट है वो किया गया था बांग्लादेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर। ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है और नेपाल है। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज के बारे में भी हमने देख लिया, पहली एक्सरसाइज की गई थी ये ताकि बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी डिजास्टर आता है फ्यूचर में जैसे सुनामी वगैरह कुछ तो आपस में किस तरीके से निपटना है। अगली न्यूज है हुआ है सीता के बारे में। तो ये में कन्फ्यूज नहीं होना कि रामायण की सीता वगैरह यहाँ कोई नहीं है, हम देख लेते हैं कि ये है क्या सीता। सीता हुआ है सपोर्टिंग इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इन अफ्रीका। देखो ये है इसलिए है क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं, पहले थोड़ा मैप में डिस्कस लेते हैं इस चीज़ को ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अफ्रीका की जो कंट्रीज है ना उनमें आपको बताओ कि काफ़ी अच्छे खनिज रिसोर्सेज हैं, मतलब वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की काफ़ी भारी मात्रा में अवेलेबिलिटी है और वहाँ पे क्या है कि स्किल का काफ़ी भाव है। तो जो ईस्ट अफ्रीका वाला एरिया ना जो आप देख सकते हो कि सोमालिया, केन्या, तंजानिया, यहाँ पे मोजाम्बिक हुआ, जाम्बिया, इन कंट्रीज़ के पास क्या काफ़ी रिसोर्सेज हैं और ये इंडिया के काफ़ी क्लोज भी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब इंडिया के काफ़ी क्लोज पड़ती हैं कंट्रीज़ अप्रोक्स देखा जाए तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ के अलावा, मतलब वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ के कंपेरिजन में ये काफ़ी नज़दीक हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया कि भाई यहाँ पे अगर हम लोगों को यहाँ के लोगों को मतलब एक तरीके से स्किल वगैरह कुछ प्रोवाइड करवाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा कि यहाँ के रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को स्किल बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों को रोज़गार वगैरह भी मिलेगा। तो ये कंट्रीज़ हैं केन्या, इथोपिया, सोमालिया वगैरह, तंजानिया, ये भी डेवलप हो जाएंगी। तो इसीलिए है स्टार्ट किया गया ताकि यहाँ के लोगों को सपोर्ट वगैरह दिया जा सके और यहाँ के बारे में अवेयर किया जा सके। तो मैंने लिए इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है ना कि इंडिया का, ये मेरे से गलती होगी, सॉरी। अगली बात इसमें है कि इंडिया और ईस्ट अफ्रीका कंट्री के बीच में से मैंने बताया कि ट्रेड को बूस्ट करने के लिए वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं उनमें मैनली रवांडा, युगांडा में क्या होगा लोगों को स्किल दी जाएंगी, अवेयर किया जाएगा और उनको इस लाइक कैपेबल बनाया जाएगा ताकि वो वहाँ के रिसोर्स का प्रॉपर ढंग से यूज कर सकें। तो इससे एक तो होगा कि इंडिया का मेक इन इंडिया बूस्ट होगा और इंडिया के द्वारा स्किल दी जाएंगे तो इंडिया में इंप्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट न्यूज़ आज की डिस्कशन में, इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।